हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अंशुल कुमार में। आइए आज आपको सिखाते हैं मशरूम मटर बनाना। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये मशरूम को हमने छोटा छोटा स्लाइस करके हल्के से पानी में हल्का नमक डाल के बॉयल कर लिया है, जिससे कि इसमें बहुत ही सॉफ्टनेस आ गई है। ठीक है, और इसके लिए बाद हमने लिया दो टमाटर, कुछ लहसुन की कलियाँ, मिर्चा और ये अदरक। ठीक है, और यहाँ पे मटर है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया हुआ दो मीडियम साइज प्याज और दो गाजर। ठीक है, आइए आज शुरू करते हैं मशरूम मटर बनाना। तो आप लोग देख सकते हैं सामने कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें सबसे पहले डाल तो इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें डाल दिया है गाजर को फ्राई होने के लिए मीडियम लो आंच पर। हम गाजर को सबसे पहले फ्राई करते हैं। इसमें लगभग 3 से 4 चम्मच के आसपास जो है हमने तेल लिया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं गाजर हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसको क्या करना है हमें कि इसको अलग से निकाल लेना है। ठीक है, अब इसमें हमें डालना है प्याज, जो कि हल्का भूरे कलर का होने तक कि प्याज को हमें फ्राई करना है। बस ये ध्यान रखना है कि प्याज पूरी तरह गले ना, बस कच्चा भी ना रहे, इस हिसाब से हमें जो इसको फ्राई करना है। बीच बीच में प्याज को भूनते रहें चलाते हुए, ताकि कि प्याज अच्छे से जो है भुन जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं मिर्चा, लहसुन की कलियां और अदरक, तीनों एक साथ, और फिर उसको जो है हल्का सा फ्राई करते हैं ताकि इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल निकल जाए। देख सकते हैं कि ये हो चुका है। अब इसमें हम जो है रफली चप किया हुआ प्याज डालते हैं, टमाटर है और सब इसमें टमाटर डालते हैं। टमाटर के बाद हम इसमें नमक डालते हैं ताकि हमारा टमाटर जल्दी से पक जाए और अच्छे से जो है गल भी जाए। देख सकते हैं लगभग आधे टी स्पून के आसपास हम इसमें नमक ऐड करते हैं। इसको भूनते समय हमें जो है गैस के फ्लेम को मीडियम लो पे रखना है। देख सकते हैं आप धीरे धीरे टमाटर जो है गल रहा है, बस इसको थोड़ा अच्छे से पका लेना है। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर और ये हमारा ग्रेवी जो है लगभग लगभग तैयार है। अब इसको क्या करेंगे हम कि गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इसको मिक्सर में जो है इसको पेस्ट बनाएंगे। डाला डाला, ये हम इसको मिक्सर में डाल रहे हैं और अब इसको जो है पेस्ट बनाएंगे। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्चा, ये जो हमने फ्राई किया है इसका पेस्ट बनाएंगे। वाह, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पेस्ट बन चुका है। अब लाइए, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब एक बार फिर से कढ़ाई को गर्म करके उसमें 2 चम्मच तेल लेते हैं और जीरा को डाल करके हल्के से फ्राई करते हैं। देख सकते हैं जीरा लगभग लगभग हमारा होने को आ रहा है। अब इसमें हम अपने द्वारा बनाए हुए पेस्ट को जो है डाल देते हैं। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं हमने पेस्ट को एक बार फिर से पकने के लिए डाल दिया है, जीरा के साथ में तड़का लगा दिया हुआ है। अब इसको जो है थोड़ा हल्के से 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। आइए हम इस पेस्ट में ऐड करते हैं थोड़ी सी हल्दी, लगभग आधे चम्मच के आसपास। साथ ही अब इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसको अब अच्छे से जो है हम लो मीडियम फ्लेम में पकाते हैं। अब
आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रेवी लगभग लगभग तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसमें लगभग 1.5 चम्मच पिसा मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर जो है ऐड करते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ी देर तक इसको पकने देते हैं, लगभग 1.5 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर। अब हम क्या करते हैं, इस ग्रेवी को थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर ढक देते हैं ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी लगभग लगभग अच्छे से पक चुकी है धीरे धीरे। अब देख रहे हैं, अब जैसा देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, तेल धीरे धीरे इससे अलग हो रहा है, इसका मतलब अब ग्रेवी पक गया है। मसाला भूनते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मसाला कढ़ाई में जले ना, इसलिए आपको गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो पे रखना है। अब जबकि आप देख रहे हैं कि हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड करते हैं लगभग 1 कटोरी के आसपास मटर के दाने और इसको मिक्स करते हैं। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, हल्के से मटर में ग्रेवी जो है ग्रेवी का स्वाद आ जाए। अब इसमें हम डाल देते हैं पहले से भुने हुए या फ्राई किए हुए गाजर को, ठीक है। और अब इसको साथ ही इसमें अब ऐड करते हैं हमारी अपनी जो है पानी में गर्म किया हुआ मशरूम को और इसे फिर इन सबको ग्रेवी में अच्छे से लो मीडियम फ्लेम रखते हुए मिलाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी ग्रेवी काफ़ी थिक है और लगभग अच्छे से पक भी चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी अपने ज़रूरत अनुसार ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसमें पानी और स्वादानुसार नमक ऐड कर दिया है और अब लगभग लगभग हमारी मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसको लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक कर पका देना है, फिर हमारी मटर मशरूम बनके तैयार हो जाएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मशरूम हमारा अच्छे से लगभग लगभग पक रहा है, इसमें उबाल भी आ रहा है। बस अभी जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि थोड़ी सी ग्रेवी जो है गाढ़ी रहती है तो टेस्ट अलग होता है। फिर आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी ऐड कर सकते हैं और वाओ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और अब हमारा जो है मटर मशरूम बन करके पूरी तरह से तैयार है। थिकनेस भी इसकी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। आप अब जो है इसको अब ये सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अब आप हम क्या करेंगे, इसमें जो है थोड़ा धनिया जो है हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे ताकि धनिया से बहुत ही अच्छी जो है इसमें खुशबू और टेस्ट भी आ जाती है। तो आप हल्का सा धनिया इसमें ऐड करके इसको बंद कर दें और ताकि धनिया भी इसकी गर्माहट से अपने आप ही पक जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए और भी आगे लाता रहूँ। धन्यवाद।